हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट टाइम हमने देखा, रोटेशनल मोशन हमने किया था, ठीक है। रोटेशनल मोशन में भी आपने लेक्चर देखा, आपने कुछ आप में से कोई बच्चों ने डाउट्स पूछा है, मैं डाउट्स लिखता हूँ पहले, ठीक है। एक ने मुझे कहा है कि कपलिंग का डेफिनेशन चाहिए उनको, ठीक है। कपलिंग का डेफिनेशन, ठीक है। शायद मैं अज्यूम कर रहा हूँ कपलिंग समझ में आया, लेकिन उनको समझ में आया है, लेकिन उनको ही जस्ट वांट्स सम रिटन डेफिनेशन ऑफ इट, ठीक है, वो दे देंगे, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन आया, उसमें उन्होंने पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड आउट करते। यही है ना, मैं एक बार चेक करता हूँ व्हाट्सएप में, लिटरली यही है क्या क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन ऐसा दिया था कि कैंसिल करता हूँ मैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि पार्थ ने पूछा था, आई थिंक। हाँ सर, डज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मींस द रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये पूछ रहे कि टॉर्क का जो डायरेक्शन है वही डिसाइड करता है क्या कि यू नो वेदर द पार्टिकल इज रोटेटिंग अलोंग, नहीं होना चाहिए, शुड बी अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, सो इज आस्किंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेदर इट डिपेंड्स ऑन हाउ टू फाइंड डज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इंडिकेट्स इट, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। और मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, एक क्वेश्चन था लेकिन वो सॉल्व हो गया था, कंपोनेंट्स के लिए, जो फोर्स के कंपोनेंट्स होते हैं उसका, और ठीक है। ओके, तो आज का देखो प्लान क्या है, एक दो क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा चीज है हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। फिर हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत करना। अगर आपके फ्रेंड्स मिस कर रहे तो प्लीज ये लेक्चर उनको अटेंड करने के लिए बोलना। वैसे तो पूरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने के लिए, ये पूरा फाउंडेशन है चैप्टर, ठीक है। लेकिन उसमें से भी ये दोनों, ये तो एकदम एसेंस है पूरे चैप्टर, ठीक है। तो कपलिंग का डेफिनेशन क्या है, कपलिंग नहीं सॉरी कपल होता है, कपलिंग तो एक मैकेनिकल पार्ट होता है, ठीक है। कपल तो कपल क्या होता है, देखो अगर कपल का डेफिनेशन लिखे तो ऐसा होगा दैट कपल, कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। कपल मतलब फोर्सेस का पेयर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिटली डायरेक्टेड एंड डिस्प्लेस्ड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। दो फोर्स है, ठीक है, तो इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कुछ, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, एंड डिस्प्लेस्ड
एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है कपल विच कॉजेस रोटेशन, विच कॉजेस रोटेशन। ठीक है, तो ये होता है सिंपली कपल। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन ना, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है कभी कोइंसाइड नहीं होती, मतलब हमेशा पैरेलल रहती है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रोटेशन कॉजेस रोटेशन। ठीक है, तो ये होता है कपल। ओके, फिर दूसरा डाउट देखते हैं हम लोग अभी। कपल बहुत सिंपल चीज है, इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दूसरा है कि हाँ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अभी मैंने देखो राइट हैंड बनाया था वहां पे, फिर मैंने ये भी एक डायग्राम ड्रॉ किया था, ये हो गया टॉर्क के लिए। तो उस कॉन्वर्सेशन में एक्चुअली आई डोंट नो आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिला, मैं थोड़ा कॉन्वर्सेशन वो पढ़ता हूँ व्हाट्सएप पे, कि मैंने कहा था कि हाँ रिमेंबर द राइट हैंड रूल इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सेकेंड डाउट। तो मुझे एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि राइट हैंड रूल तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देता है, व्हाट अबाउट रोटेशन। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग विल डिस्कस इट इन दी क्लास। ठीक है, मुझे पूछा कि नहीं समझा, तो विल डिस्कस इन दी क्लास। की कहते हैं पार्थ की सब पार्टिकल्स आर टू बी रोटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ टॉर्क, डजंट टॉर्क अफेक्ट पार्टिकल्स, सो आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्लेन इट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो देखो पहले से मैं चीज क्लियर करता हूँ, हम लोग जहाँ पे एक्सप्लेन किया था मैं वापस वहां जाऊंगा टॉर्क केस में। हाँ देखो ये वाला जो है, तो अभी देखो ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल मैं कहा गया यही ले लो एग्जांपल, ये जो पार्टिकल है ना इसको जो फोर्स, देखो टॉर्क क्या है, टॉर्क इज नथिंग बट यू नो द फोर्स विच इज एट अ डिस्टेंस, यू नो विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस विच कॉजेज रोटेशन। तो अगर फोर्स नहीं होगा तो टॉर्क होगा ही नहीं। ठीक है, तो टॉर्क क्या है, इट इज न्यूटन मीटर। ठीक है, ये समझ लो फोर्स न्यूटन है और टॉर्क न्यूटन मीटर है। तो टॉर्क इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स, सो यू कैन नॉट से दैट यू नो पार्टिकल्स आर टू बी रोटेटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ टॉर्क। अरे टॉर्क आ रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स, दिस होल थिंग इज टॉर्क। आप जब एंगुलर यू नो रोटेशनल मोशन टॉपिक में जाते हो ना, एवरीथिंग इज एंगुलर। यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन भी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा। ठीक है, इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है टॉर्क होता है। ठीक है, इन रोटेशनल मोशन स्टडी। ठीक है, तो ये टॉर्क जो है इट इज फोर्स इटसेल्फ इन द रोटेशनल मोशन चैप्टर। ठीक है, जब भी चीज घूम रही है ना तो वहां पे फोर्स नहीं होता, वहां टॉर्क होता है। ठीक है, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, न्यूटन मीटर। ठीक है, सो फोर्स इज रिप्लेस बाय टॉर्क, जस्ट लाइक लीनियर वेलोसिटी इज रिप्लेस बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड एक्सेलरेशन इज रिप्लेस बाय एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, फोर्स इज रिप्लेस बाय टॉर्क। ठीक है, फोर्स यही होता है कि एक पार्टिकल, टॉर्क यही होता है कि एक पार्टिकल पे फोर्स लगा है एंड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस। ठीक है, और वो पार्टिकल घूमेगा तो उसका कॉज होता है टॉर्क। ठीक है, सो दैट इज टॉर्क इटसेल्फ, the force is then called torque. ठीक है, so don't get confused between this. और आपके direction का जहां तक सवाल है, देखो force ऐसा लगा है ना, तो direction क्या होगा, आपके right hand rule से this is the direction of torque, so torque indicates that is the axis, this is the axis of rotation. ठीक है, इसके about rotate होने वाला है, और इतना ही नहीं torque upward या downward भी होता है, torque का जो भी direction, so that depends on you know how you apply the right hand rule. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे explain किया था। ठीक है, so if force is this way and rotation is this side, तो फिर आपका F by R ऐसे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे R है और यहाँ पे F है, तो F into R, R into F आएगा, जो कि ऐसा होता है। ठीक है, so
यू मस्ट ऑलवेज टेक इंडेक्स फिंगर पे आपने हमेशा आर कंसिडर करना है और मिडल फिंगर पे फोर्स कंसिडर करना है, फिर आपको टॉर्क की डायरेक्शन मिलेगी। और ये जो है इसके अबाउट ही अबाउट दिस एक्सिस पार्टिकल इज रोटेटिंग, विच इज क्योंकि फोर्स तो ऐसा लगेगा तो घूमेगा भी ऐसा ही है ना, रोटेशन इसका ऐसे ही होगा। सो दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है, कॉमन सेंस। ओके सो आई थिंक ये भी हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा एक और टॉपिक है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत फुद्दू टॉपिक है, तो इसके लिए मैं इसको लास्ट लेक्चर में मैंने आखिरी में रखा था, इसमें भी आखिरी में रखा हूँ। सो फर्स्ट वील गेट अलॉन्ग विथ नो बोथ ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन लेट्स गो टू मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, अभी भी अगर कोई इस टॉर्क में आपको कुछ डाउट हो ना तो यू कैन आस्क, ठीक है। और ये चीजें आपको जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये कंसेप्ट। फॉर नाउ यू कैन जस्ट कीप इट इन माइंड कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो यूनिट में बता दिया न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन टू फोर्स जो हमने देखा है, ठीक है। एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्क होता है, इट इज नथिंग बट दी फोर्स अप्लाइड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच कॉजेस रोटेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। सो फ्रॉम दिस डेफिनेशन एवरीथिंग शुड बी क्लियर कंसेप्चुअली। टॉर्क एंड फोर्स आर नॉट डिफरेंट थिंग, टॉर्क कम्स बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ओके, तो आगे आप वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स करोगे तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपके। ओके, तो फाइन देन लेट्स मूव ऑन, वी स्टार्ट विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सेंटर। लेट्स मेक सम स्पेस हियर। ओके, सो सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड डेवलप करते हैं, ठीक है। आपको याद होगा हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब हम पढ़ रहे थे तो ये लिमिटेशंस भी पढ़े हमने, या फिर मैंने आपको एक चीज भी वहां कहा वही वही पे कही थी कि दीज वर अजम्पशंस ऑफ न्यूटन। तो इसमें देखो, इफ यू रिमेम्बर दिस थिंग, द सेकंड पॉइंट वाज दैट इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, कि हम लोग हर चीज को पॉइंट में कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर सारे थियरीज पॉइंट के ऊपर बेस्ड है या फिर पार्टिकल के ऊपर बेस्ड है। ओके, सो ऑल मैकेनिक्स थियरीज दे आर मेड सच दैट इट कैन बी अप्लाइड टू अ पार्टिकल। ओके, तो इसके वजह से अगर आपको कोई भी चीज को एनालाइज करना हो, मान लो ये कार को एनालाइज करना हो जैसे हमने तभी भी हमने देखा था, या ये ह्यूमन बीइंग को एनालाइज करना हो, तो हर एक ऑब्जेक्ट को हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना है फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस। तो अभी इसको पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज दिस पॉइंट इज देन कॉल्ड अ सेंटर ऑफ मास। इसके पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट कर दिया हमने एक सेंटर पे। ओके, ये पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट कर दिया एक सेंटर पे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो आई विल राइट देयर हमारे टॉपिक के नीचे इसका पर्पस क्या है। पर्पस इज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम लोग सिंप्लीफाई करके पॉइंट स्ट्रक्चर में लेके आते हैं और फिर उस पे हम लोग सारे मैकेनिक्स के थियरीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। बिकॉज मैकेनिक्स थियरीज वर्क ऑन पॉइंट, वरना एक्चुअली अगर देखा जाए तो हर एक चीज को है ना क्या होती है, एक साइज होती है, ठीक है, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, कुछ शेप होता है, ठीक है। तो बहुत सारे अजम्पशंस करते हैं हम कि एक स्ट्रिंग ले ली, अगर इसमें टेंशन है, ठीक
तो इसे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, मासलेस कंसिडर करते हैं, है ना। फिर कभी कभी पुली ले ली, ठीक है, ये पुली है तो इसको भी हम लोग मासलेस कंसिडर करते हैं। तो दिस इज ऑल डन यू नो फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस, फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस, ताकि हम लोग अभी सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करें, ताकि आगे बढ़ के वी बिल्ड आवर बेस टू यू नो सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये था एवरीथिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट वी कॉन्सेंट्रेट द मास ऑफ द टोटल बॉडी, जैसे कि ये कार है, ठीक है, इसका पूरा एक पॉइंट पे हमने कॉन्सेंट्रेट कर दिया मास, ठीक है। तो हमने अभी भी जो भी प्रॉब्लम्स की अभी तक, यू नो हम लोग एक मास लेते थे, ठीक है, वो ऐसे ग्राउंड पे रखा है और इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते थे, तो दिस फोर्स वुड बी, इट इज अज्यूम दैट इट इज अप्लाइड ऑन द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तभी वो आगे बढ़ रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। इससे मुझे याद आया, मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसका बहुत कम लोगों ने होमवर्क किया है वैसे, लेकिन आंसर्स काफी अच्छे दिए, ठीक है, राइट आंसर्स दिए हमने, जो एग्जाम्पल दिया था यू नो रोटेशन ऑफ अ बॉडी विदाउट एक्सटर्नल फोर्स का, सबने शायद अर्थ रोटेटिंग अराउंड सन एग्जाम्पल दिया, इट इज वेरी राइट। और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, यू नो टेबल फैन जो रहता है, या फिर आप फैन ले लो कोई भी, ठीक है, अरे ये तो फ्लावर बन गया, ठीक है, अज्यूम कर लो कि ये फैन है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर बना देना, अब ये फैन हो गया ओके। तो टेबल फैन जो होता है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अंदर से मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, सो दैट इज इंटरनल फोर्स, सो इट इज रोटेटिंग बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्स, ठीक है, सो टॉर्क इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फोर्स, सो आपके एग्जाम्पल्स वर राइट, ठीक है ओके। तो सेंटर ऑफ मास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि लोकेट करना कि सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इस बॉडी का कहाँ होगा, मतलब कहाँ फोर्स हमने लगाना चाहिए, है ना, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, वेयर विल बी द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। टू फाइंड दैट आउट देयर इज द नेक्स्ट यू नो सब पार्ट ऑफ इट व्हिच इज कॉल्ड एज, स्टार बनाता हूँ मैं इसके लिए, इट इज कॉल्ड एज लोकेटिंग दी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो लोकेटिंग दी सेंटर ऑफ मास में देखो, हमको लोकेट करना है अभी एक कॉम्प्लेक्स यू नो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, जो उसमें सारे मासेस है उसका एवरेज लेना है, मतलब क्या, देखो थोड़ा डीप में देखते हैं, ठीक है, मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ग्राफ बनाया मैंने सिर्फ लोकेशन और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, और ये यहाँ कहीं मास वन है, एक ऑब्जेक्ट है विच इंक्लूड्स टू मासेस, ठीक है, यहाँ मास वन है, ठीक है, और यहाँ उसका मास टू है, ठीक है ओके। तो नो लेट्स से दिस, ये जो है दोनों का वाई कोऑर्डिनेट जो है, और इट इज लेट्स से एट वाई वन, और इसका जो है एक्स वन जो है, लेट अस टेक दैट एज एक्स वन, एंड ये है एक्स टू, ठीक है। तो अभी हमें इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, सेंटर ऑफ मास ढूंढना है मतलब क्या, यहाँ पे दोनों अगर एक ही मास है, ठीक है, देयर इज जस्ट वन ऑब्जेक्ट व्हिच हैज गॉट टू मासेस, ठीक है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, तो इसका कहीं हमें सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ होगा, लेकिन एग्जैक्टली ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा, है ना। तो एवरेज क्या होता है, जनरली देखो ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, इसका मतलब क्या है, देखो ए के आगे हम लोग वन लगा सकते हैं, यहाँ पे भी वन लगा सकते हैं, और नीचे क्या लेते हैं हम लोग, दिस इज वन इंटू ए वन इंटू बी डिवाइड बाय दिस इज टू इज नथिंग बट दिस वन प्लस वन, ठीक है, दिस इज एवरेज। अभी सेंटर ऑफ मास आगे अगर हमें निकालना है, ठीक है, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास, लेट्स से आर सी है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, तो पहले हम लेंगे एम वन जो कि है मास हमारा, ठीक है, इंटू
दिस इज फॉर सपोज द एक्स एक्स कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास का, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है। अरे क्या हो गया तुमको, हाँ ये सेंटर ऑफ मास है, इसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये है एक्स सी एम और यहाँ पे एक्स सी वाई, सॉरी दिस इज वाई सी एम, ठीक है। तो एक्स सी एम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, देखो एम वन इंटू एक्स वन प्लस एम टू इंटू एक्स टू अपॉन, यही यहाँ पे जैसे किया था वैसे, देखो ये वाला जो है एम वन प्लस एम टू, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अभी तो ये दो है, ठीक है, लेकिन मान लो कि सपोज एक डिस्क्रीट मास सिस्टम, आई गेस आपको ये चीज समझ गई, ठीक है। एवरेज निकालते हैं हम लोग, यू नो, टू फाइंड आउट दी लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा, देखो इट इज एक्स सी एम एंड वाई सी एम, ठीक है, ऐसे ही होता है, हम लोग लोकेशन ऐसे ही देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, है ना। सो दिस इज हाउ वी लोक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। सो दिस इज हाउ वी लोकेट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यूजिंग द डिस्क्रीट मासेस इन द बॉडी। डिस्क्रीट मतलब क्या, गिन सकते हैं हम इसको, ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब गिन नहीं सकते, ठीक है, तो ये डिस्क्रीट है। तो मान लो अभी इसमें ही देखो, अभी तो ये दो ही मासेस है इसलिए थोड़ा इजी है, लेकिन अभी मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, अभी ये मास है सपोज ये एम थ्री यहाँ पे, और ऐसे कई सारे मासेस सपोज मेनी ऑफ देम, ठीक है। तो अगर बहुत सारे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एम थ्री एम फोर एम फाइव एम सिक्स एम सेवन एम एट, ठीक है, एक पूरे ऐसा जो ऑब्जेक्ट है उसके उसमें हम लोग को बहुत सारे ऐसे मास पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मास के पार्टिकल्स होंगे, तो उन सारों का एवरेज निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है, पहले थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो उसके लिए एक्स सी एम, ये क्या होगा, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू, अरे सॉरी एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस एम फोर एक्स फोर, ठीक है, दिस विल बी अप टू एम एन एक्स एन, एन नंबर ऑफ अगर रहेंगे तो, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर, कहाँ तक, एम एन तक, ठीक है ना, ऐसे रहेगा। तो फिर इसको हम लोग लिखते कैसे, देखो एक्स ऑफ सी एम, इसको लिखते कैसे, इसको लिखते हैं समेशन, मतलब सम करना, कहाँ से कहाँ तक, आई इज इक्वल टू वन, ये वन है ना, तो वन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वन से एन तक, एन नंबर तक, ठीक है, इसमें एम आई एक्स आई डिवाइड बाय एम आई है, मतलब अगर आपको ये इस इक्वेशन को पूरा खोलना है, ठीक है, ये पूरा जो है इसका मैंने एक जिप फाइल बना दिया है, इसमें अगर इस इक्वेशन को खोलना है तो कैसे खोलेंगे, देखो ये तो मेन अपना फॉर्मूला है, इसको पहले बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, यहाँ इसके साथ इसके सामने कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे खोलते हैं इसको, इसको अगर एक्सपांड करना है तो कैसे लिखोगे, देखो आई पहले क्या है, आई की वैल्यू पहली वैल्यू है वन, ठीक है, तो इसको लिखेंगे एम वन एक्स वन, ठीक है, फिर समेशन है, इसका मतलब इसका समेशन है विथ व्हाट प्लस इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, मतलब इसका सम है विद एम टू एक्स टू, कहाँ तक है, एन तक है, तो ये कहाँ तक जाएगा, एम एन एक्स एन तक, वैसे ही डिनोमिनेटर, ठीक है, एम वन एम टू कहाँ तक है, कहाँ तक जाएगा, एम एन तक जाएगा, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है, ये पूरे इसको कंप्रेस करके ऐसे लिखते हैं, ओके। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो इसका कहीं अपने को ऐसा जो ऊपर वाला क्या कहते हैं ये जो है इसका कहीं पे अपने को अगर मासेस बढ़ा दी जाए तो कहीं पे अपने को सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ठीक है, कैन बी एनीथिंग, ठीक सो दिस सेंटर ऑफ मास को लिखेंगे हम लोग ऐसे, इसका लोकेशन हम लोग लिखेंगे ऐसे, वैसे ही जैसे ये है एक्स के लिए वैसे ही वाई के लिए भी सेम होता है, ठीक है। वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा,
समेशन ऑफ आई वन से लेके एन तक एम आई, यहाँ पे एक्स आई की जगह पे होगा वाई आई डिवाइड बाई एम आई। ठीक है ठीक है, तो दोनों के लिए फाइंड आउट करते हैं, एक्स के लिए वाई के लिए। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हमने जो लिया था इसमें देखो, जब सिर्फ एम वन एम टू था तभी वाई की वैल्यू वहीं पे आ रही थी, वाई सी एम की वैल्यू वाई वन पे ही आ रही थी। ठीक है, वही पे होगा सेंटर ऑफ मास। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे ना, सपोज इफ यू कैलकुलेट हियर, सॉरी वाई सी एम अगर कैलकुलेट करोगे एम वन, और एम वन कौन सी लोकेशन पे, वाई वन पे। सो वाई वन प्लस एम टू, एम टू भी कौन सी लोकेशन पे, एम टू भी वाई वन पे ही है। ठीक है, ये कोइंसिडेंस है, ऐसा एक प्रॉब्लम आया है। ठीक है, अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक है, तो इसमें से देखो अगर आप वाई वन कॉमन निकाल दोगे तो एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा वाई वन। तो वाई सी एम विल बी एट वाई वन ओनली। ठीक है, वाई वन वाई आई वाई वन पे। तो ऐसा अगर आपको आता है तो लोकेशन वही होती है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, थोड़े ऑब्लिक सेट होते हैं सारे मासेस। ठीक है, तो फिर आपको वाई की भी वैल्यू कुछ ऐसी यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि सारे एम वन का लोकेशन वाई वन होगा, एम टू का लोकेशन वाई वन ही नहीं होगा, कुछ वाई टू होगा। ठीक है, यहाँ पे वाई वन ही है लेकिन एम थ्री का कुछ और होगा, देखो यहाँ पे देखो एम थ्री का कुछ और लोकेशन। ठीक है, तो ऐसे एवरेज होके सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आ जाएगा। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अभी ऐसे ही सेंटर ऑफ यू नो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, कि पूरी बॉडी अगर कुछ वेलोसिटी से जा रही है तो यू नो अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की एक एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो वो भी कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका भी फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, सो velocity of center of mass, this um, ठीक है, center of mass, तो velocity कैसे लिखते हैं हम लोग, ये velocity vector होता है change in distance with respect to time। ठीक है, ऐसे लिखते हैं differential form में, ऐसे लिखते हैं, differentiation अभी आपका हुआ नहीं लेकिन ऐसे लिख के ले लो, ये बाद में आपका notes अच्छे से बनेगा मतलब। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का जो होता है वेलोसिटी, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन देखो इसका, चेंज इन एक्स सी एम, ठीक है, अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इसका कैसे फॉर्मूला आता है, सेम फैशन वैसा ही है, एम वन वी वन एक्स, ये ध्यान से देखना x है यहाँ पर, ठीक है, इन x डायरेक्शन, एम टू वी टू एक्स प्लस कहाँ तक, एन तक, या फिर तीन मास ले लेते हैं, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में तीन मास है, तीन मास के ले लेते हैं, वी थ्री एक्स होल डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। ठीक है, तो ये हो गया फॉर एक्स डायरेक्शन, अभी वाई डायरेक्शन के लिए देखते हैं। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, चेंज इन वाई सी एम With respect to time, क्या होगा ये m1 v1 y plus m2 v2 y plus m3 v3 y whole divided by m1 plus m2 plus m3। ठीक है, तो ये हो गया velocity of center of mass। वैसे ही acceleration of center of mass भी होता है। ठीक है, acceleration of center of mass, तो acceleration का को कैसे लिखते हैं हम लोग differential form में, change in velocity, ठीक है, of cm with respect to time। तो कैसे लिखेंगे, क्या मिलता है हमें acceleration of center of mass का, देखो ये भी same होगा, m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 whole divided by m1 plus m2
प्लस एम थ्री, ठीक है। ये देख के आपको किसी की याद आ रही है क्या? मतलब मैं किसी इंसान की नहीं पूछ रहा हूँ, एम ए देख के। एम ए इज इक्वल टू क्या? एम ए इज नथिंग बट फर्स्ट क्रॉस ऑफ न्यूटन, इज फोर्स, ठीक है। सो फोर्स वन इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको लिखूंगा फोर्स टू, इसको लिखूंगा फोर्स थ्री, ठीक है। इसको फोर डिवाइडेड बाई क्या है, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। तो एक एक्सेलरेशन को अगर समेशन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? समेशन ऑफ फोर्स अपॉन समेशन ऑफ मास। आई कैसे लिखेंगे? आई वन से लेके एन तक, ठीक है। या फिर एक ही समेशन लिखेंगे एम बाय एम तो भी हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आई वन से लेके एन तक और एफ आई एम आई, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये देख के भी आपको न्यूटन की याद आती होगी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए। यू नो एस एस बी में एक टेस्ट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट करके। उसमें अगर न्यूटन आ गया ना तो फर्स्ट वर्ड मेरे माइंड में यही आता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। शायद यही लिख के आ जाऊं मैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। तो आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि हमने देखा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों करते हैं ये भी शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। तो अभी अगर इफ यू हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन लोकेटिंग द सेंटर ऑफ मास, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। मान लो आपको कुछ ऐसा फिगर दिया है, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका सपोज ये डायमेंशन दिया है एज से 5, दिस इज से 3, एंड ये हाइट जो है इट इज 6। ओके, ऐसे कुछ दिया है और बोला है इसका सेंट्रोइड या फिर सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया आपकी टेक्स्ट बुक की है, पिक्चर है। तो इसमें देखो अगर आप देखोगे, देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ यू नो यूनिफॉर्म सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स और उसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो देखो, अगर ये आइसोसेलस ट्रायंगल अगर होता है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे आता है? ये एक्स एक्सिस पे, तो इसके हाफ पे आएगा, यू नो ये जो साइड है इसके हाफ पे आएगा। लेकिन वाई एक्सिस पे देखो, दिस डिस्टेंस यू नो फ्रॉम द बेस अप टू द सेंटर ऑफ मास, दिस डिस्टेंस इज हाइट बाय 3, है ना। इसकी जो हाइट है यू नो द थर्ड पार्ट ऑफ इट, ऊपर से कितना होगा ये? 2h/3 होगा, नीचे से h/3, ठीक है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो अभी हमने देखा हाइट बाय 3 होता है यू नो, तो वैसे ही एक्स एक्सिस के लिए अभी यहाँ से h/3 पे होगा और वाई एक्सिस के लिए यहाँ से h/3 पे होगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी क्लियर, यू कैन यूज दिस शेप्स यू नो टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको ऐसे इन ऑब्जेक्ट्स का कोई कॉम्बिनेशन दिया गया, ट्राइंगल और सपोज सेमी सर्कल है, हेमिस्फीयर है, कुछ भी है, तो आप यहाँ से देख के यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेम्बर दिस, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अगर सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका यू नो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर जाता है, विच इज 2r/π। अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है, मतलब यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, रिंग मतलब यहाँ पे इट इज हॉलो, सिर्फ मास कहाँ है? उसके रिम पे, उसके पेरीफेरी पे, क्या कह सकते हैं, सर्कमफेरेंस पे मास है। लेकिन यहाँ पे पूरा रिजिड है ऑब्जेक्ट, डिस्क है, तो उसका कहाँ पे आएगा? 4r/3π पे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 70 है, आप चाहिए तो देख सकते हो। इट विल बी, इफ द इमेज इज नॉट क्लियर टू यू, यू कैन रेफर पेज नंबर 70, इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। यहाँ पे हाइट वापस देखो, ट्रायंगल की h/3 है, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे कोन है, तो कोन का कहाँ पे रहता है? इसका h/4 पे रहता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। दिस इज हेमिस्फीयर,
उसका होगा 3r/8 पे। और अगर हेमिस्फेरिकल शेल है, मतलब अंदर हॉलो है, सिर्फ ना सरकमफेरेंस पे या फिर उसके पेरिफेरी पे मास है, तो फिर r/2 पे होगा। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो अभी इसका रेफरेंस लेके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अभी यहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, दिस विल बी योर ओरिजिन, दिस पॉइंट। ठीक है, ये अपना होगा वाई एक्सिस और ये यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अभी देखो सेंटर ऑफ मास इस नो स्क्वायर का या फिर इस रेक्टेंगल का, सॉरी क्वाड्रिलेटर का, कुछ यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, इसके भी हाफ पे और इसके भी हाफ पे, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, मान लो ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल हाफ पे लाइन है। ठीक है, तो ये होगा कितना, 2.5, सॉरी 2.5 है ना, वाई दिस डिस्टेंस, दिस पार्ट, दिस व्हाट कैन आई से, दिस डिस्टेंस ऑफ वाई। ठीक है, और ये यहाँ पे होगा कितना, 1.5, राइट। तो नीचे खींच के मैं लिख देता हूँ 1.5। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्क्वायर का तो हमें पता है सिमेट्रिकल, इसके लिए हाफ पे होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये क्या है, x1 है। ठीक है, ये क्या है, y1 है, क्योंकि ये फिगर मैंने अज्यूम कर लिया s1। ठीक है, ये फिगर मैं अज्यूम करता हूँ s2। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, अभी हमने देखा, देखो h/3 पे होता है, नो h/3 मतलब height/3, तो यहाँ पे कुछ उसका सेंटर ऑफ मास होगा जो यहाँ पे, तो y एक्सिस पे तो ये 2.5 पे ही आएगा, लेकिन x एक्सिस पे कहाँ आएगा, कुछ यहाँ पे h/3। अभी इसका h कितना है, 6 है, तो 6/3 मतलब ये जो डिस्टेंस है इतना, ये 2 है, मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम दी ओरिजिन, हाउ मच इज इट, 3 + 2, दैट इज हाउ मच इज 5। ठीक है, तो क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट पे ट्रेस कर रहे हैं तो ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है। ठीक है, दैट इज वाई, इसीलिए तो हमने ओरिजिन लिया है। ठीक है, h/3 मतलब आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो आपके आंसर्स गलत आ जाएंगे, आपको ओरिजिन से डिस्टेंस लिखना है ऑफ एवरी फिगर। ठीक है, तो अभी y ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, हमको पता है फॉर्मूला, m1y1 + m2y2 अपॉन m1 + m2 कितना आएगा, ये देखो इसका y1 कितना है, y1 2.5 है और y2 भी कितना है, 2.5, तो वो हम लोग कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा, m1 + m2 4/m1 + m2। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y आया अपना 2.5। ठीक है, अभी XCM के लिए इसके मान लेते हैं मासेस है, दोनों का मास अगर सेम है, मान लो कि 1 1 1 kg। ठीक है, तो x के लिए क्या होगा, देखो m1 x1 + m2 x2 अपॉन m1 + m2। ठीक है, तो m1 अगर इसका 1 है और x1 कितना है, x1 है इसका 1 पॉइंट, ये देखो ये x1 है, दिस इज x1। ठीक है, कैसे x1, फिगर 1 का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो होता है x1। ठीक है, तो m1 तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये 1.5 है, प्लस m2 कितना है, 1 है, x2 कितना है, देखो यहाँ पे x2 है, x2 मतलब क्या, फिगर नंबर 2 का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये कितना है, 5 / m1 + m2 1 + 1, तो ये कितना है, देखो ये का 6.5 / 2, तो ये कितना होगा, ये कुछ 3.25 आएगा, राइट। सो दिस इज आर XCM YCM, तो अपना सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास हम लोग लिखते हैं XCM YCM। ठीक है ना, ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, तो कितना है, 3.2, सॉरी 3.25 और 2.5,
तो यहाँ पे फिगर में देखो 3.25 मतलब कहीं यहाँ पे आ गई। ये देखो इतना तो 3 है तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना सेंटर ऑफ मास है। ओके, सो आई गेस दिस थिंग इज क्लियर कि सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर आप और न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे हम बढ़ेंगे, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ अलग सा नहीं है, इट इज जस्ट एनालॉगस टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसका क्या मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का? देखो अगर ये इंसान है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट होता है ना जहाँ पे ग्रेविटी अपना फोर्स एक्ट करती है, जहां से, ठीक है। तो इस पे अगर इसका mg ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा तो ये mg फोर्स किस जिस पॉइंट से पास होने वाला है उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इसका और एक डेफिनेशन हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सीजी ऑफ अ बॉडी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट अराउंड विच द रिजल्टेंट टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी इज जीरो, ठीक है। मैं लिखता हूँ, इट इज अ पॉइंट अराउंड विच द रिजल्टेंट टॉर्क को मैं टाओ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये होता है टाओ, ओके। ये एक सिंबल है, ग्रीक सिंबल है टाओ, इसको कह सकते हैं टाओ, ठीक है, TAU टाओ इसको कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ सिंबल फॉर टॉर्क, ठीक है। सो रिजल्टेंट टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी इज जीरो, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, ये मैंने पहले भी कहा था आपको इसके बारे में। देखो अगर जो फोर्स है बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, सीजी पे एक्ट करेगा, तो वो कुछ उसके ऊपर कुछ टॉर्क नहीं एक्ट करेगा, वो घूमेगा नहीं। तो यही स्टेटमेंट थोड़ा रिवर्स करके यहाँ पे बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट, अगर उसके ऊपर फोर्स लगाया गया, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगाया गया, तो टॉर्क जीरो होगा, ठीक है। बस उल्टा स्टेटमेंट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ व्हेन यू व्हेन वी सी दैट ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी यूनिफॉर्म, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज यूनिफॉर्म, मतलब अर्थ के हर जगह पे क्या है, जी कांस्टेंट है ना, ऐसे जी चेंज नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, इट कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इसके लिए दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। हम लोग हर कैलकुलेशन करने के लिए या तो सीजी और सीएम, इट्स लाइक एनालॉगस, लाइक आई सेड बिफोर, सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट द सेम। अगर जी अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर दोनों में चेंज आएगा, लेकिन जी कांस्टेंट है इसलिए सीजी एंड सीएम CON आर यूज फॉर द सेम पर्पस। बस आप कहने के लिए कह सकते हो जहाँ पे ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है वहां पे आप लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा बोलने के लिए बोल सकते हो। जैसे अगर कोई बैलेंसिंग का कोई प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन है कि आप शायद बाइक बैलेंस कर रहे हो तो वहां पे आप लोग सीजी बोल सकते हो, सेंटर ऑफ मास नहीं, सीजी थोड़ा अप्रोप्रिएट लगता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व्ड है, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस बोथ आर सेम, ठीक है, एज फार एज दी प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ आर कंसर्न। ओके, सो आई होप दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। ये अपना लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर में, पूरे लॉज ऑफ मोशन में। एक अपना और एक टॉपिक बचा था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम,
ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बचा है तो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैं देखो आपके टेक्सटबुक का स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कॉन्स्टेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। दिस स्टेट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सिंपल चीज है कि एक सिस्टम पे कोई अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो मतलब एक्सटर्नली बैलेंस फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस जो है F1, यहाँ भी F1, F2, यहाँ पे भी F2 अगर है, तो ये क्या बैलेंस फोर्सेस है। ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा, ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा, तो एक्सटर्नली बैलेंस फोर्स है, या फिर कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या है कि इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ये स्टेबल है सिस्टम। तो ये स्टेबिलिटी तीन टाइप्स की होती है, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो, या फिर समेशन ऑफ समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो, ऐसे इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। अब ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, आप लोग डायग्राम से ही समझ जाओगे। देखो पहले तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि मान लो हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक बॉल का। देखो ऐसा कोई सरफेस है, यहाँ पे मैंने बॉल रखा, ठीक है, तो ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन है ना। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो मतलब इसका क्या मतलब है कि यू नो, इफ दिस बॉल, इफ इट इज डिस्टर्ब स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम एंड रिलीज, इट टेंड्स टू रिकवर इट्स पोजिशन। यहाँ पे मैंने डिस्टर्ब करके थोड़ा सा ऐसे लाया, वो वापस इक्विलिब्रियम के स्टेट में जाएगी, ठीक है। तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। मान लो ऐसा सरफेस है, बॉल मैंने यहाँ पे रखा है, तो अभी तो बॉल स्टेबल है, ठीक है, एट दिस पॉइंट द बॉल इज स्टेबल। लेकिन अगर मैंने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, थोड़ा आगे चला गया, तो कोई चांस ही नहीं है कि ये वापस अपने पोजिशन पे आए, ठीक है, ये और आगे कहीं तो भटक जाएगा, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है। देन देयर इज थर्ड टाइप, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के ऊपर मैंने बॉल रखा है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, wherein the potential energy of a system is constant over the plane, ठीक है, and it remains same all over the position। यहाँ पे potential energy देखो इस point पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने अगर इसको धक्का दे दिया तो बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे potential energy एकदम same है, इसके लिए अगर ball को थोड़ा disturb कर दिया जाए ना, ठीक है, तो practically देखो मैंने इसको disturb किया तो ये जाके यहाँ खड़ा हो जाएगा। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी से देखा जाए तो ये तो कुछ अलग पोजिशन नहीं है, ये इक्वली पोजिशन। सो यू नो दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज प्रैक्टिकली, इवन इफ यू डिस्टर्ब, सो प्रैक्टिकली इट इज एट सेम पोटेंशियल लेवल, ठीक है। इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ चेंज नहीं होने वाला है, इस पोजिशन पे, वन पे, टू पे, दोनों पे सेम ही। सो दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिस्क्राइब्ड एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में है ये, तो बस आपको ये डायग्राम याद रखनी, ठीक है। थियोरी ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं इसमें, प्रॉब्लम्स इतने कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आते भी आएंगे भी नहीं मेरे ख्याल से इसमें से, थियोरी बस पूछ सकते हैं डायग्राम से, ये कौन सा इक्विलिब्रियम, ये कौन सा इक्विलिब्रियम, ये कौन सा इक्विलिब्रियम,
तो उतना ध्यान में रखो. एंड दैट्स इट, देन वी आर डन विथ आवर चैप्टर लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, मैंने सारी चीजें कवर किए, सारे टॉपिक्स कवर किए हैं. वैसे कोई टॉपिक तो बचा नहीं है मेरे ख्याल से. ओके, एक बस चीज है आपको मैं बताना चाहूंगा. एक चीज हमने जो टॉर्क और ये कंसेप्ट पढ़ रहे थे, अभी एक कुछ एग्जांपल हुआ था जिसमें मैंने आपको ये बताना मैं भूल गया कि देखो, अगर फोर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर फोर्स इस तरफ है तो इस तरफ लिख सकता हूँ पॉजिटिव फोर्स, इस तरफ है तो लिख सकता हूँ. ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट इफ द फोर्स इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, यू नो, परपेंडिकुलर टू योर आईज, परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन, इनसाइड. अभी ऐसे यू नो स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपके स्क्रीन के अंदर जा रहा है आपकी आंखों से. ठीक है, तो वो फोर्स को कैसे डिनोट करते हैं, वो फोर्स को ऐसे डिनोट करते हैं एक्स से. ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को भी जो भी ऐसे डायरेक्शन में जा रही है अंदर आपके पेज के, आप यू नो फ्रॉम योर आईज इनसाइड योर स्क्रीन, तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं. और अगर स्क्रीन से बाहर आ रही है आपकी आंखों आंखों की तरफ तो ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है, सो दिस इज लाइक इनवर्ड्स एंड दिस इज आउटवर्ड्स. ठीक है, तो याद रखने का तरीका देखो मैं कैसे याद रखता हूँ. ये जो फोर्स होता है ना, ये होता है ऐसे एरो की तरफ. ठीक है, तो एरो इमेजिन करो, एरो अगर अंदर जा रहा है तो आपको क्या दिखेगा, इसकी पीठ दिखेगी, है ना. तो पीठ में देखो इसके ऐसे फेदर्स बने हुए हैं, तो फेदर एग्जैक्टली कैसे दिखेंगे आपको, ऐसे क्रॉस करके दिखेंगे, है ना, पीछे से अगर आप एरो को देखोगे. अगर एरो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या दिखेगा, सामने का पॉइंट दिखेगा. ठीक है, तो ऐसे इस लॉजिक से आप लोग याद रख सकते हो. ठीक है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, तो ये एक चीज बतानी थी. और किसी स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि कुछ ग्राउंड से अगर मैंने बॉल ऊपर फेंका है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी, तो कितने टाइम में वो नीचे आएगा. तो ये एकदम टिपिकल काइनेमेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है. ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशंस, काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशंस थे, मैंने आपको पढ़ाए थे. देखो स्टार्टिंग में, एक सेकंड में स्क्रीन खोलता हूँ. ये देखो काइनेमेटिक्स के ये तीन इक्वेशंस थे. v is equal to u plus at, v square is equals to u square plus 2as, or s is equal to ut plus half at square. तो आपको टाइम निकालना है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए. इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस g होगा. तो आपको सिर्फ, बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन की तरफ वापस चलता है, ओपन दिस पेज. ठीक है, कहा गया क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी है u. ठीक है, तो इस वेलोसिटी से फेंका है. और एक चीज, अगर आप फेंक रहे हो ना ऊपर, तो इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट की होती है. ठीक है, जहां से आप फेंक रहे हो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नहीं जाएगा इसके ऊपर. क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, कुछ mg एक्ट कर रहा होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है. तो मतलब ये डी एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी जो है कम कम होती जाएगी. और ऐसा पॉइंट आएगा कि ऊपर एक पॉइंट पे ये स्टेबली खड़ा रहेगा. ठीक है, फिर नीचे गिरना शुरू होगा ड्यू टू mg. ठीक है, तो आपको सिर्फ ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ठीक है, दो इक्वेशंस है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, आपको s पता नहीं है, u पता है, t फाइंड आउट करना है. ठीक है, एक अननोन है. ठीक है, सो u पता है, t अननोन है, प्लस नहीं लेंगे अभी यहाँ पे. ये जो g है ये पहले माइनस रहेगा. ठीक है, या फिर आप अभी जो एक्ट कर रहे हैं ये प्लस रहेगा, तो क्योंकि जी नीचे की तरफ है, बॉल ऊपर की तरफ था, तो ये फर्स्ट हाफ में जी माइनस होगा. ठीक है, और फिर बाद में सेकंड हाफ में जी प्लस होगा. ठीक है, तो आपको दोनों तरफ का टाइम कैलकुलेट करना है, ऐड करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स में आपको ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे. ठीक है,
नाउ दैट वी आर ओवर टाइम, अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक्स में वगैरह आपको ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करके मिल जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। सो परहैप्स यू कैन डू इट व्हेन देयर इज यू नो आपका कोई, मैं अगर आपको कोई होमवर्क क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में तो वो क्वेश्चंस नहीं है, इसके लिए आई वॉन्ट सॉल्व इट नाउ, टाइम इज ऑल्सो ओवर, तो अभी नहीं करते। ओके चाहिए तो मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ, इसका सोल्यूशन भी देता हूँ, ठीक है, तो वहां पे हो जाएगी। ओके सो लेट अस स्टॉप हियर नाउ, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर में से सब कुछ समझ में आया, ठीक है। अगर आपको चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुआ है, यू नो इफ यू हैव लाइक्ड माय लेक्चर्स, सो यू कैन गिव अ फीडबैक बाय जस्ट यू नो हिटिंग द लाइक बटन ऑन द यूट्यूब, सो दैट आई नो, बिकॉज आई डोंट नो, अभी अपना कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, सो आई एम नॉट एबल टू मेक इट आउट दैट वेदर यू आर गेटिंग माई क्लासेज और नॉट, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या आ रहा है, ठीक है। सो सिंस दिस इज जस्ट द फाइनल लेक्चर, सो यू कैन जस्ट हिट अ लाइक ऑन दैट यू नो यूट्यूब वीडियो, सो दैट आई गेट टू नो दैट वेदर यू आर लाइकिंग माई लेक्चर्स। सो दिस इज नॉट अबाउट यू नो अर्निंग समथिंग ऑन यूट्यूब, बिकॉज मैंने आपको पहले किसी लेक्चर के लिए कहा नहीं कि यू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब समथिंग लाइक दिस, बट इफ यू जस्ट हिट अ लाइक ऑन दिस लेक्चर, आई विल अंडरस्टैंड कि आपने सारे लेक्चर्स पहले के मेरे अटेंड किए फिजिक्स के एंड यू हैव लाइक इट एंड अप्रिशिएट इट, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।